राजधानी रांची में रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में यदि आपको प्रवेश करना है तो यहां आप नंगे पांव प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बीते दिनों आया है जहां कुछ देवघर से लौटे कांवड़ियों को यहां प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वो नंगे पांव आए थे। उन जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने यहाँ ये बताया कि सुरक्षा का हवाला देते हुए उनका कहना था कि आप नंगे पांव इस मॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ प्रोटोकॉल है। इस वक्त हम इसी मॉल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ वाला मॉल है, रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में से एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है जिसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर अपनी नाराज़गी भी दर्ज की गई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र जो भी इंचार्ज थे उनका कहना है कि इस मॉल में यदि आपको प्रवेश करना है तो खाली पैर प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो एस्केलेटर वाली सीढ़ी है उसमें करंट लगने की भी डर बताई जा सकती है। तो इसी को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है, राज्य में बयानबाजी का भी दौर देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर इसका विरोध किया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि मॉल प्रबंधन द्वारा शिव भक्तों को मॉल के अंदर प्रवेश करने से रोकना खेदजनक है। रांची के उपायुक्त से मामले की संज्ञान लेने की भी बात कही गई है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले पर विरोध जताते हुए कहा है कि जिस प्रकार से कांवड़ियों को रोका गया ये काफ़ी खेदजनक है, इसको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उन कांवड़ियों को रोका गया था इस मॉल में उस वक्त ये व्यक्ति भी वहां मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पे देखा है कि किस प्रकार से ये जो पूरा मामला है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम भैया सुशांत चौबे हुआ। चौबे चौबे जी ये बताइए कि आप वहीं पे मौजूद थे? जो वीडियो बनाए हैं वो हम ही बनाए हैं और उन लोग का कांवरिया का जो भी हम बात कर रहे थे वो अथॉरिटी से हम ही बात कर रहे थे। तो क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि हम लोग यही मॉल में, हम यहाँ रांची में लॉ की पढ़ाई करते हैं तो हम लोग कुछ एक मित्र साथ आए थे कुछ खाने पीने ऊपर फोर्थ फ्लोर पे जहाँ पे फूड कोर्ट है, तो वहाँ से खा के हम लोग फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर नहीं दिखता है, हम लोग को शॉपिंग भी करना था तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पे आए। तो सेकेंड फ्लोर से हम लोग जब आप यहाँ गेट पे देखें तो वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, वहाँ पे मॉल का अथॉरिटी था जो सिक्योरिटी अथॉरिटी है और बाबा धाम से आया हुआ कुछ उन लोग आदमी था। और तो हम लोग गए नीचे, नीचे उतरते उतरते क्योंकि एस्केलेटर से उतरते उतरते दो फ्लोर उतरना था, उन लोग को बाहर निकाल दिया गया, वहाँ एक चाय दुकान है वहाँ पर पहुँच गए थे। तो वहाँ पर हम लोग गए तो उनसे बोले क्या हो गया भैया, तो बोले कि देखिए ना भैया हम आए थे और हम लोग बिना स्लीपर्स के थे और हम लोग इतना चल के आए, हम लोग स्लीपर जब तक घर न पहुँचे तब तक हम लोग को नहीं पहने, मतलब हम लोग का मान्यता है कि नहीं पहन सकते हैं, तो हम लोग कुछ खाना पीना था लेना होना था, इन लोग नहीं जाने दे रहा है। तो हम लोग गए कि चलिए भैया देखते हैं क्या है, नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे गेट पास आए, अथॉरिटी से बात किए तो अथॉरिटी जिस हिसाब से बात कर रहा था उन लोग 5-6 आदमी थे तो बोले कि क्यों नहीं जाने दे रहे भैया, तो बोल रहे कि प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। तो भैया कहाँ लिखा हुआ प्रोटोकॉल, आप दिखाएंगे ना? तो बोले कि नहीं ऐसा हम नहीं दिखाएंगे। तो बोले कि मैनेजर को बुलाइए, तो मैनेजर क्या बोलता है, मैनेजर हमसे डायरेक्ट नहीं बोला, जो वहाँ का सिक्योरिटी जिस मैनेजर को वॉकी टॉकी पे बात किया बोल रहा है कि उनको प्यार से सॉरी बोल के वापस कर दीजिए, ये बात मैनेजर बोला। तो और क्या हुआ कि फिर उन लोग हम लोग को निकालने लगा, तो बोलिए कि भैया आप हम लोग ज़बरदस्ती मत करिए, हम लोग चल जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे हुआ उसका वीडियो बनाने लगे थे, तो बोल रहा है कि नहीं वीडियो हम नहीं बनाने देंगे। तभी हम लोग जोर जबरदस्ती करते हुए थोड़ा सा माइनस सेकंड का वीडियो बना लिया जो कि वही दो वीडियो को जोड़ दे तो एक मिनट का होगा, 33 सेकंड का वीडियो होगा। तो और हम लोग बाहर निकल गए तो उन लोग क्या सबसे ख़राब लगा, सारा हमारे पिताजी की उम्र का था, उन लोग बोला कि बताइए ना भैया इतना इन लोग के सामने हम लोग इतना ख़राब लग रहा है, जाने दे, उन लोग का चेहरा देख के भैया हम क्या बताएं हमको कैसा लगा। तो और क्या किया कि फिर हम लोग वीडियो बना के जो भी हम लोग के संपर्क में न्यूज़ चैनल थे वहाँ पर दे दिए और उसी से जो हुआ जिस हिसाब से आप लोग इसी कारण है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मॉल ऑफ रांची के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा ये जो मामला वीडियो सर्कुलेट हो रहा है तो क्या वजह बताई गई थी इसको लेकर? सर इसमें वजह ये है कि जो हम लोग सिक्योरिटी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई भी खाली फुट आए, अगर खाली पैर आते हैं, मान लीजिए बारिश का दिन हो रहा और भीगा पैर हुआ, ठीक है ना, बेयर फुट आते हैं तो सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो इसी के तहत हम लोग चप्पल भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, स्लीपर रखे हुए हैं। तो जो खाली फुट आते हैं हम रिक्वेस्ट भी करते हैं
कि सर प्लीज़ खाली फुट अंदर मत जाइए, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पे करंट फ्लो होता है और जिस वजह से क्या है एस्केलेटर वगैरह है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है सब, लिफ्ट है, तो वहाँ पे क्या है हम लोग सेफ्टी को नज़र में रखते हुए ताकि कस्टमर का सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चाहिए तो आप स्लीपर भी हमारे से ले के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, जो नंगे पांव आ रहे हैं उनके लिए आप लोग ये चप्पल की व्यवस्था कर रखे हैं? जी जी। तो उनको चप्पल देते हैं कि आप ये चप्पल पहन के जा सकते हैं अंदर? जी। खाली क्या ये वहाँ सुरक्षा के दृष्टि से थोड़ा सा रिस्की है ये खाली पैर जाना मॉल में। बहुत सारे मॉल में आप देखे होंगे। आप लोग पहले से कर रहे हैं कि ये वीडियो होने के बाद ये जो मामला भी हुआ है उसके बाद से ये चीज़ लागू की है? नहीं, सेफ्टी को हम लोग हमेशा प्राइम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। मॉल है, हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पे करंट्स का काम होता है, ठीक है, जैसे लिफ्ट है, आपका एस्केलेटर है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, कोई बर्दात ना हो, इस वजह से हम लोग इसको सेफ्टी को मद्देनज़र ये मतलब बताते हैं सबको। ये बात से कर रहे हैं कि पहले? नहीं, पहले से भी ये चीज़ हम नज़र में मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ताकि लोगों का जान सुरक्षित रहे, ठीक है, किसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। तो देख सकते हैं कि मॉल ऑफ रांची में जिस प्रकार से हमने यहाँ के जीएम से भी बात की है, उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मॉल में नंगे पांव प्रवेश करना कहीं ना कहीं ये इसको हम लोग रोकते हैं। इसके लिए हम जो भी हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं इसको हिदायत दी जाती है। अब इसके लिए इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद यहाँ पर एक शुरुआत की गई है कि जो नंगे पांव आएंगे उनके लिए यहाँ पर स्लीपर्स की व्यवस्था की गई है। तो जो नंगे पांव आएंगे उनसे बकायदा उन्हें चप्पल पहना के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये वीडियो सर्कुलेट होने के बाद जब इसमें राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिला, कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ खिलवाड़ बताया गया। इसके बाद मॉल ऑफ रांची के तरफ से कहना है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम कोई भी कस्टमर आए तो उन्हें रोके। तो या तो फिर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या यदि किसी के मंदिर जाने के बाद चप्पल खो जाता है तो यहाँ ये चप्पल खरीदने नंगे पांव आएंगे या चप्पल पहन के आएंगे? उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग नाराज़ दिख रहे हैं। उन्होंने भी बताया है जो जिन लोगों को रोका गया उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हम लोग यहाँ पर देवगढ़ से लौटे थे, रांची पहुँचे, उसके बाद कुछ शॉपिंग करने के लिए पहुँचे थे, हम लोग सोचे कि जूता चप्पल खरीद ले। इसके ऊपर जो जिन कांवरियों को रोका गया था उनका भी खंडन आता है। तो क्या अब इसके बाद मॉल प्रबंधन ने भी अपनी बयान दर्ज की है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार का हवाला हमारी तरफ से दिया गया है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी छोटू के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।